हाय दोस्तों, हमारे YouTube चैनल राज लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं वैद्युत दुर्भाव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने पिछले वीडियो में भी हमने वैद्युत दुर्भाव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को पढ़ा था, लेकिन किस में पढ़ा था? अक्षीय स्थिति के कारण हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में। लेकिन आज की वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? निरक्षीय स्थिति के कारण हम आज की वीडियो में क्या करने वाले हैं? निरक्षीय स्थिति के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को आज हम पढ़ने वाले हैं। और ये हम जो अक्षीय स्थिति के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम पढ़ चुके हैं, जिसकी वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक डाल दी है, आप लोग इसको भी देख सकते हैं। तो आज की वीडियो हम क्या बोलने वाले हैं? निरक्षीय स्थिति के में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव मैं निरक्षीय स्थिति के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आज का हमारा टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव में निरक्षीय स्थिति के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसके लिए सबसे पहले हमें वैद्युत द्विध्रुव बनाना पड़ेगा। तो वैद्युत द्विध्रुव हमारा है, हम बनाना जानते हैं, प्लस क्यू आवेश ये है हमारा, ये माइनस क्यू आवेश है, और इन दोनों को मिला दें। इन दोनों की बीच की दूरी क्या होती है? 2L होती है वैद्युत द्विध्रुव की बीच की दूरी क्या होती है? 2L। और ये हमारा मिड पॉइंट है, जिसको हम O कहेंगे। ये हमारी हो गई L, ये भी हमारी हो गई L। तो अब हमें क्या करना है? निरक्षीय स्थिति है, अल्लाह हमें इसकी लंबवत दिशा में हमें कोई एक बिंदु लेंगे जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होगी। तो यहाँ पर हमारा जो बिंदु होगा, ये इस बिंदु X, इसको हम X बिंदु मानते हैं। इस बिंदु पर हमें क्या निकालनी है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यही हमारी निरक्षीय स्थिति के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो ये हमने x बिंदु लिया, इसको हम इससे मिला देंगे, इन दोनों आवेशों से। तो ये हमारा हो गया, ठीक। तो ये हमारा मिड पॉइंट यहाँ पर है, इसको हम इससे मिला देंगे। हमें इस बिंदु O से x, मतलब हमें इस बिंदु O से द्विध्रुव के मध्य बिंदु से हमें R दूरी पर, ये दूरी हमारी क्या है? R दूरी पर स्थित बिंदु X पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हमें ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात करते हैं। इसमें क्या है, हम ये दूरी नहीं ले सकते, क्योंकि हमें किसके कारण? प्लस Q के आवेश के कारण पहले X बिंदु X पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होगी, फिर हम निकालेंगे माइनस Q आवेश के कारण बिंदु X पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हमें, आप जानते हैं कि आपको इस दूरी की आवश्यकता पड़ेगी और इस दूरी की आवश्यकता पड़ेगी। तो पहले हम इसको ज्ञात करेंगे, फिर इसको ज्ञात करेंगे, फिर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र लगाते हुए इस डेरिवेशन को हल करेंगे। तो पहले हम इस दूरी को ज्ञात कर लेंगे, फिर इस दूरी को। तो इस दूरी को ज्ञात करने के लिए आप देख रहे होंगे कि ये लंबवत है, ये रेखा लंबवत है, और तो ये 90 डिग्री का कोण है भाई, ये भी 90 डिग्री का कोण है। तो आप देख रहे होंगे कि जो ये त्रिभुज है, ये एक समकोण त्रिभुज है, और ये त्रिभुज भी एक समकोण त्रिभुज है। और आप देख रहे होंगे ये भी L है, ये भी L है, और जो लंबवत रेखा है वो भी R है। तो जो हम इन दोनों भुजाओं को हम निकाल सकते हैं, किससे? पाइथागोरस प्रमेय के प्रयोग करके। तो मैं सीधे कर लेता हूँ, आप भी इसको आंसर देख लेंगे। इसको क्या होगा? इसका आंसर होगा R² प्लस L² रूट के अंदर, ये होगा हमारा रूट के अंदर R² प्लस L², ये हमारी बीच की दूरी निकल आएंगी। आप चाहें तो आप अपने रफ में
इसको निकाल सकते हैं, इस दूरी को निकाल सकते हैं। तो चलिए अब हमें इस बिंदु पर प्लस क्यू आवेश तथा माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हमें बीच की दूरी मिल गई। तो अब चलिए अब हम इसको हल करते हैं। तो पहले हम निकालेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु एक्स पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो लिखते हैं प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र के की तीव्रता प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु एक्स पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम ज्ञात कर लेते हैं। तो क्या होगी हमारी तीव्रता, सूत्र हम जानते हैं E1 इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q/r2। यहाँ पर हमारी r क्या है, रूट के अंदर r² + l² तो हम लेंगे E1 इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू, तो है ही क्यू हमारा, चिन्ह की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमें इसमें चिन्ह नहीं लिखना होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हुए केवल इसके परिमाण को लिखते हैं हम, r² मतलब √r² + l² का होल स्क्वायर। ये हमारे निकल के आ गए E1 इज इक्वल टू निकल कर आ गए 1/4πε0 इंटू Q/r² + l² रूट स्क्वायर से रूट कट जाएगा। ठीक, ये हमारी E1 निकल आई, यानी प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु x पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल आई। अब हम निकालते हैं माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु x पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके लिए हम क्या करेंगे, वही जैसा हमने किया इस वाली में, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु x पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, निकालते हैं माइनस क्यू आवेश के कारण E2 इज इक्वल टू, सूत्र हम जानते हैं 1/4πε0 इंटू Q/r², इसका मान हो जाएगा अपना 1/4πε0 इंटू क्यू। हमारी r क्या है इसमें, √r² + l² किसके लिए, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु x पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हमारी r क्या है, रूट के अंदर r² + l² तो हम यहाँ लिख लेंगे r² + l² होल स्क्वायर। ठीक, अब हम इसको हल करेंगे तो क्या निकल जाएगा हमारे E2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन, इसको स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो क्या बचेगा r² + l² अब हमारी बात आती है कि हमारे यहाँ पर बिंदु x पर दो तीव्रताएँ निकली हुई हैं, E1 निकली है यानी प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु x पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकली, और माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु x पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकली। लेकिन हमें इस पर केवल एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, इसलिए हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, सदिश गणित का प्रयोग करना पड़ेगा। तो सदिश गणित के लिए इसमें देखो अच्छी स्थिति में नहीं है, इसलिए हम इसमें विपरीत दिशा वाला नियम नहीं लगा सकते कि E1 - E2 इसको नहीं कर सकते। इसमें हमें क्या करने पड़ेगा, वियोजन यानी सदिशों के वियोजन का जो कंडीशन है इसमें वो फॉलो होगी। तो चलिए करते हैं इसको, एक हमने इस विद्युत ध्रुव के समांतर हमने एक रेखा खींच ली और इसको हमने थोड़ा इस साइड थोड़ा सा बढ़ा दिया, इसको हमने बढ़ा दिया, ओके। और ये हमारी, अब हम इसमें कंडीशन को फॉलो करेंगे। तो पहली कंडीशन हमारी आती है कि हमने यहाँ इसको थीटा मान लिया, ये हमारी थीटा है, तो अब हम इसको वियोजित करेंगे। माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत बिंदु एक्स पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम क्या करेंगे, वियोजित करेंगे। तो कैसे करेंगे इसको वियोजित करेंगे, तो हम किसके दो घटकों का प्रयोग करेंगे, दो घटकों को हम प्रयोग कैसे लंबवत दिशा में प्रयोग करते हैं, कैसे, देखो ये हमारी थीटा है, तो जिस रेखा के साथ जो थीटा कोण बना रहा है उस रेखा में हम क्या लिख देते हैं, E1 cos थीटा। माइनस क्यू की आवेश के कारण क्या है हमारी, E2 cos थीटा। ये बात जान लीजिए, जिस
रेखा के साथ कोण बनाता है, वो रेखा कोई कोण बनाती है तो उस लंबन रेखा को ही हम ए टू कॉस थीटा लिखते हैं, तथा इसके विपरीत जो लंबवत दिशा होती है उस पर हम हमेशा साइन थीटा लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा ई टू साइन थीटा। ठीक, हमने इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को तो वियोजित कर लिया, अब हम इसको भी वियोजित करेंगे, यानी प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु एक्स पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को भी हम वियोजित कर लेंगे। इसको भी हमने आगे बढ़ा लिया थोड़ा सा, तो इसको हम वियोजित करेंगे तो क्या होगा, ये हम थीटा मान लेंगे, फिर से ये हमारा थीटा हो जाएगा। तो इस साइड जो हमारी क्या होगा, इस साइड जो क्या थीटा कोण इस रेखा के साथ बना रहा, तो इस साइड क्या होगा हमारा ई वन कॉस थीटा। और जो लंबवत दिशा है इसके ये नीचे, वो किसके साथ कितना कोण बना, इसके साथ ही कोण नहीं बनाई, तो इसमें क्या होगा साइन थीटा का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ई वन साइन थीटा। अब देखो आप लोग, जो हमारा ई टू साइन थीटा है और ई वन साइन थीटा है एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत है, तो ये जो हमारे ई टू साइन थीटा है वो ई वन साइन थीटा से संतुलित हो जाएगा। तो संतुलित हो जाएगा तो ये एक दूसरे से नष्ट हो जाएंगे, यानी इनका काम खत्म हो जाएगा। अब बात करते हैं पल्लू ई टू कॉस थीटा और ई वन कॉस थीटा। आप देख रहे हैं कि ई वन कॉस थीटा और ई टू कॉस थीटा एक ही दिशा में है, तो इसकी परिणामी तीव्रता कैसे आएगी, तो लिखते हैं परिणामी तीव्रता। इसमें हमें परिणामी तीव्रता के लिए क्या करना होगा, चूंकि यह एक ही दिशा में है तो दोनों जुड़ेंगे, तो क्या आएगा ई वन कॉस थीटा प्लस ई टू कॉस थीटा, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ई वन। आप देख रहे हैं कि इसमें जो हमारे एक ही दिशा में है दोनों, ई वन कॉस थीटा भी और ई टू कॉस थीटा, दोनों ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक ही दिशा में है, तो क्या होगा हम जोड़ देंगे ई वन कॉस थीटा प्लस ई टू कॉस थीटा। यदि ये दोनों विपरीत दिशा में होते तो हम क्या करते, इसको घटा देते, लेकिन है नहीं, क्या है एक ही दिशा में है दोनों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसलिए हम इसको जोड़ रहे हैं। इसलिए ई नेट हमारा निकल के आता है, ई नेट इज इक्वल टू क्या आता है ई वन, इसमें से कॉमन आ रहा क्या आ रहा, कॉस थीटा कॉमन आ रहा है, तो ई वन प्लस ई टू ब्रैकेट के अंदर कॉस थीटा। ओके, इसको हम लिखते हैं ई नेट इज इक्वल टू, ई वन का मान हमें क्या है ज्ञात, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये हमारा ई वन। ई टू हमें दिए रख, हम निकाल चुके हैं क्या है, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो क्या है हमारा वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये हमने ई वन भी लिख लिया, ई टू भी लिख दिया, और ये हमारा कॉस थीटा। ठीक, अब यहाँ जगह कम है तो इसलिए मैं इसको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, तो हमारा यहाँ निकल के आया। अब देखो आप, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और ये भी हमारा क्या है वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो हम इनको क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो क्या आएगा हमारा जोड़ने पर ई नेट इज इक्वल टू क्या आएगा हमारा वन टू इंटू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन इंटू क्यू अपॉन क्यू इंटू आर स्क्वायर प्लस, आप लोग देख रहे हैं यही आएगा हमारा, और ये हमारा कॉस थीटा। अब आप इस कॉस थीटा को कैसे हटाएंगे, तो इसके लिए हम क्या जाएंगे यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर देखिए ये हमारा थीटा है, थीटा कौन है, ये इस रेखा के साथ कोण बना रहा, ये रेखा इस रेखा के समांतर है, तो ये कोण बराबर होंगे आपस में, क्यों होंगे, क्योंकि हमने कक्षा हाई स्कूल में पढ़ा है ये कोण हमारे संगत कोण होते हैं, इसके ये थीटा इस कोण के बराबर होगा, यानी ये भी हमारा थीटा हो जाएगा। अब बात करते हैं इसकी, ये हमारा थीटा है और ये रेखा इस रेखा के समांतर है, तो ये हमारा कोण भी थीटा होगा। ये सब चीज़ें हमने हाई स्कूल में पढ़ चुके हैं, इसलिए ज़्यादा विशेष बात नहीं है, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए ये थीटा, इसलिए ये हमारा थीटा हो गया। ठीक, दोनों ही थीटा आ गए, अब हमें निकालना क्या है कॉस थीटा। कॉस थीटा के लिए हम क्या करेंगे, इस थीटा को ले लो चाहे इस थीटा को, दोनों से ही समान आंसर आएगा, तो हम इस थीटा को लेंगे, थीटा लिया
कॉस थीटा निकालो, हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया कॉस थीटा मतलब क्या होता है आधार, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या हमारी एल, कर्ण क्या है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो हम यहाँ कॉस थीटा की जगह क्या लिख देंगे एल बटे रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो हमारा आ गया ई नेट इक्वल टू, इसको हम अंदर गुणा करेंगे तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन इनटू टू क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इनटू एल कॉस थीटा क्या निकल के आया हमारा एल अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, एल अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ये हमारा निकल के आया। अब हम क्या करेंगे देखिए, अब बात आती है यहाँ पर एल स्क्वायर की, जैसा कि हमने अच्छी स्थिति में पढ़ा है कि जो हमारी L है वो इतनी न्यूनतम दूरी होती है, यानी वैद्युत दूरों के बीच की जो दूरी होती है वो इतनी न्यूनतम होती है कि हम इसको नगण्य मान सकते हैं, तो ये हमारी जो है L वो R से बहुत छोटी है इसलिए हम इसको नज़रअंदाज कर देंगे, यानी यहाँ पर जो कंडीशन बनेगी वो होगी जो L है वो इज मच लेस देन टू R है, R है तो, और हम ये भी जानते हैं जब L R से बहुत छोटी है तो L का स्क्वायर, तो L स्क्वायर का L का स्क्वायर R से और छोटा होगा, R स्क्वायर से और भी छोटा होगा, तो इसलिए हम इसको यहाँ पर नगण्य मान लेंगे, ये कंडीशन हमारी यहाँ पर लगेगी, जगह कम है इसलिए मैंने छोड़ दी यहाँ पर ऊपर लिख दी, तो हम यहाँ पर लिख देंगे E net इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या आ जाएगा 2Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा एल स्क्वायर क्यों लिखेंगे, यहाँ पर L को भी हम क्या कर देंगे नगण मान लेंगे, तो यहाँ पर L स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा हमारा रूट रूट के अंदर R स्क्वायर, रूट के अंदर आ जाएगा हमारा R स्क्वायर क्योंकि हमने L को नगण मान लिया। ओके अब हम यहाँ पर लिखते हैं ई नेट इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2Q अपॉन इसको R से, इसको R से अलग करो तो क्या हो जाएगा यहाँ पर रूट हरेगा तो R R अकेला रह जाएगा तो यहाँ पर R हो गया। अब बात आती है अब यहाँ पर जगह नहीं बची इसलिए मैं यहाँ पर मिटा देता हूँ, हमारा क्या बचा था यहाँ पर क्या है ये हम एक चीज़ भूल गए 2Q अपॉन जे एल इंटू एल और होगा क्योंकि यहाँ पर हमने यहाँ पर गुणा किया और यहाँ से हमने क्या किया था आर स्क्वायर का आर स्क्वायर पर रूट लगा था इसलिए स्क्वायर से रूट कट गया और आर बचा। अब यहाँ पर हमने बचा है ई नेट ये जो कल टू क्या बचा है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2Q एल यहाँ पर एल भी है 2Q एल अपॉन क्या बचा है आर क्यू ठीक यहाँ से आर स्क्वायर में आर का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा आर क्यू। अब यहाँ से हमारा निकल के आता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू यहाँ पर देखिए आप इसको हम कैसे ऐसा लिख सकते हैं क्यू इनटू 2L और आप लोग इस बात को जानते हैं कि जो हमारा क्यू इनटू 2L है मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ अच्छी स्थिति में कि जो हमारा क्यू इनटू 2L है वो हमारा क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी जो हमारा Q इंटू 2L है वो P इज इक्वल टू क्या होता है Q इंटू 2L यानी ये हमारे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र होता है जिस P बराबर Q इंटू 2 इंटू क्यू इंटू 2L जहाँ पर P होती है हमारी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ओके तो यहाँ पर हमारा ये निकल आया। ओके तो चलिए अब हम इस मान को इसकी जगह रख देंगे ठीक तो ई नेट इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू इनटू 2L की जगह क्या रख दें पी तो इसकी जगह हमारा पी आ जाएगा पी अपॉन आर क्यू और आप देख रहे होंगे जो हमारा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू पी अपॉन आर क्यू जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव में निरक्षीय स्थिति के कारण जो हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो यहाँ पर निकल आई और यहाँ पर हमने ज्ञात कर ली क्या है निकल के ये जो इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू पी अपॉन आर क्यू ये हमारी होती है वैद्युत द्विध्रुव में निरक्षीय स्थिति के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
आप इससे संबंधित कई क्वेश्चन इस सूत्र से कर सकते हैं। यही हमारा सूत्र होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए निरक्ष स्थिति में। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। और जो हमारा अच्छी स्थिति में के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, उस वीडियो की लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए, आप लोग देखना ना भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।